राधे राधे दोस्तों, आज हम राधा बाग आए हुए हैं। परिक्रमा कंप्लीट करने के बाद राधा बाग के दर्शन करने के लिए आए थे। यहाँ पर एक दुर्लभ चीज़ है जो काफ़ी फेमस है, लेकिन हमें पहले पता नहीं था, तो इस बार हम आए हैं तो इसका दर्शन करके जाएंगे और आपको भी यहाँ की उस दुर्लभ चीज़ का दर्शन कराएंगे। और ये सेम निधिवन की तरह है, जैसे कि वृंदावन में निधिवन है और गैवर वन है बरसाना में। और अभी हम आपको स्वयं से भी यहाँ के जो देख रेख करते हैं उनकी जुबानी आपको यहाँ का कुछ सुनवाते हैं, जो काफ़ी कुछ जानते हैं लोग, ये हमें कुछ बताएंगे, आप सुनिएगा गौर से। जैसे निधिवन और सेवा कुछ भी होती है ना भैया, हाँ जी हाँ जी, ऐसे ही या नित्य प्रति रास लीला करने भगवान आते हैं। अच्छा, गैवरवन और राधावन, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डार डार फल पात पात श्री राधे राधे होए। और मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रजरा जोड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्ति है यार, श्री राधे राधे। ब्रज 84 कोस में चार गाम निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नदगाम। को कवि वर्णन कर सके बरसाने को मूल, या के कड़कड़ में छुपी श्री युगल चरण की धूल। मेरी भववादा हरो श्री राधा नागर सोय, यातन की छाई पड़े श्याम हरित दुत हो। श्री राधे महाराज, ये राधा बाग मतलब कैसे स्थापित हुआ था ये? ये भैया भगवान के समय का ही है जी, खेलने आया करते थे यहाँ, भगवान की नित्य लीला हुआ करती थी, गौचारण किया करती थी जी, गाय चराया करती थी जी। ये रास मंडल उन्हीं के समय का है, ये है रास मंडल 5,500 वर्ष का, 5,500 वर्ष पुराना। देखिए इसमें छवि दिख रही है राधा और कृष्ण का, आज भी यहाँ नित्य रास होता है भैया 12 से 4 बजे तक जी जी। भगवान का ऊपर आई देखिए छवि दिखाई दी बीच में, हाँ जी बहुत दुर्लभ है, एक टकी दिखाई देती है फिर नहीं दिखाई देगी, हाँ बिल्कुल बीच में दिखाई देती है, एक टकी दिखाई देती है बिल्कुल सेंटर में। आगे थोड़ा वृंदावन सुखाया महाराज जी, कुछ बता दो इनके बारे में। राधिका जी की 8 सखी थी जी, ललता विशाखा चित्रा चंपकलता रंग देवी सुदेवी इंदुलेखा स्तन विद्या जी, 8 सखियों के साथ में प्रिया जी यहाँ रास करने पधारती जी जी। रास में चल श्यामा प्यारी और बाढ़ दफ देखें ब्रज नारी, ये रास की भूमि है। रासो सब संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितो, योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्य, दो दो गोपियों के बीच में एक एक कृष्ण लीला, ये महाराज की लीला जी जी जी। सेन करा दी का अभी ना दर्शन हो गए जी, सेवा बने हाँ बने वहाँ से जो पत्र पुष्प। और हम आपको अब उस दुर्लभ चीज़ के दर्शन कराएंगे। हम आपको बता देते हैं थोड़ा, यहाँ पर है एक कुआँ और जहाँ से बहुत मीठा जल प्राप्त होता है, और यही जल श्री प्रेमानंद महाराज जी स्वयं ग्रहण करते हैं, जो सप्ताह में उनकी 2 बार वहाँ से वृंदावन से गाड़ी आती है और यहाँ से जल लेके जाते हैं, और यही जल से ही श्री राधा रानी जी को स्नान कराया जाता है जो राधा बाग में है। हम अभी आपको उसके दर्शन कराएंगे, आपको लेकर चलती है उस कुएं के पास। और हमने सुना था कि प्रेमानंद महाराज जी राधा बाग के ही जल का को ग्रहण करते हैं, और आज हमें वो जल ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और हम आपको दिखाएंगे। आप जब कभी यहाँ आएँ तो इसके दर्शन जरूर करके जाएँ। मीठा जल ग्रहण करते हैं यहाँ से, और यहाँ से स्वयं श्री प्रेमानंद महाराज जी के लिए जल यहीं से जाता है वृंदावन, और यहाँ श्री जी को स्नान कराया जाता है जो बरसाने में, वो जल भी यहीं से जाता है, वही चरणामृत के रूप में। आइए आज हम आपको उस कुएं का दर्शन कराते हैं जहाँ पर श्री जी के स्नान के लिए जल जाता है, और स्वयं श्री प्रेमानंद महाराज जी यहीं का जल ग्रहण करते हैं। जय श्री राधे राधे। यही वो कुंड है, यही वो कुआं है जहाँ से प्रेमानंद महाराज जी के लिए जल जाता है, और आप देख सकते हो
हम आपको दिखा रहे हैं ये। और ये वही पुराना तरीके का चलने का स्थान है, रस्सी से खींचा जाता है। ठीक है भैया, हमारे लिए थोड़ा जल निकालो। दिखा दिया जी, दिखा दिया। ये देखिए बाल्टी भर के आ चुकी है ऊपर, और बहुत ही मीठा जल है ये। हम ग्रहण करेंगे थोड़ा जल। जय श्री राधे राधे राधे। सर आप थोड़ा सा जल ग्रहण कीजिए।